पूर्व काल में मतलब कुछ समय पहले हमारे ग्रंथों को भी खूब जलाया गया। ऐसे अनमोल ग्रंथों को जलाया गया है, अगर आज होते वो ग्रंथ आज होते तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। वो नॉलेज थी उसमें, उन ग्रंथों में कोई कलेश नहीं, कोई द्वंद नहीं। आप जानते हैं, एक ऐसी विद्या थी, रावण को कहा गया कि इतना जिया, वो इतना जिया, उसने 21 बार अपने आप को यंग बनाया। पूरे जीवन काल में 21 बार उसने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज किया, युवा हुआ। मतलब एक तरीके से जैसे नहीं आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, ऐसा नहीं, वो कोई विज्ञान होगा उसका, उस ज्ञान के माध्यम से उसने, ये सब थे हमारे पास। लेकिन आततायियों ने हमारे ग्रंथों को जलाकर हम लोगों को बाधित करने के लिए ये सब किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जिंदे रहो, तुम सुरक्षित रहो, भगवान ने कहा तुम्हारा ज्ञान सुरक्षित रहना चाहिए। क्या सुरक्षित रहना चाहिए बोलो? आज सब कुछ सुरक्षित है सिवाय ज्ञान के। आज के मनुष्य को ज्ञान नहीं है, शॉर्ट नॉलेज। आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, बस खेल खत्म। आज मार्क्स की लड़ाई है, नंबर्स की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई नहीं है, ज्ञान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बचा भी नहीं है। ज्ञान तो हम लेने की इच्छा नहीं रखते, जबकि सबसे बड़ा, हम जब गांव में थे तो हमारे बुजुर्ग हमसे एक बात कहा करते थे, तुम दुनिया में जो भी चीज कमाओगे तुमसे सब लोग शेयर कर सकते हैं, पर जो तुम विद्या लोगे, जो तुम ज्ञान लोगे, उस ज्ञान में से कोई शेयर नहीं कर सकता। वो तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जितना ज्ञान तुम पर होगा तुम उतना ही अपना और अपने आने वाले लोगों का कल्याण कर सकते हो। ये ज्ञान कल्याण करेगा। और आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ज्ञान की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कोई ज्ञान का कोई मार्ग हमको देने वाला नहीं है। ज्ञान का रास्ता हमारे, कोई ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं है कि रामायण जरूरी है, कि गीता जरूरी है, कि ये जरूरी है। अरे बोले जो कर लो सो जरूरी है भैया, बस खेल खत्म कर लो। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पति बन जाओ, पत्नी बन जाओ, मम्मी और पापा बन जाओ, खेल खत्म। चाहे किराए के मकान में क्यों ना बन जाओ, बस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। बन गए इंजीनियर, अब क्या करें बताओ? इंजीनियर बन के करना क्या है? किसके घर में ईंट ठुकवानी, यही काम। अरे भाई सबसे पहले मानव बन जाओ, और अच्छा मानव किसको कहते हैं, उसके लिए ज्ञान बढ़ाओ, उसके लिए ज्ञान बढ़ाओ।